हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जो हमने अपनी कंप्यूटर सीरीज जो स्टार्ट की हुई थी, जो फुल फॉर्म्स के रिगार्डिंग थी, उसका जो हम पार्ट 9th। इससे पहले जो हमारी पार्ट 8 आ चुके हैं, और जो पार्ट 8 है हमारे, उसकी जो हमने प्लेलिस्ट बना दी है फुल फॉर्म के नाम से, तो आप वहाँ पर जाके सभी पढ़ सकते हैं। और एक बात बता दें आपको, जो हमने आपको PSSSB का जो पीछे एग्ज़ाम आया था, जो क्लर्क का था, और उसमें जो 2021 जो दिसंबर में हुआ था, जो हमने आपको पहले दो MCQs प्लस शॉर्टकट कीज जो प्लस इसके साथ जो हमने ये फुल फॉर्म्स, तो इनमें से 7 से 8 क्वेश्चंस वहाँ पे आए हुए थे। तो एक तो आप पहले, जब आप जिन्होंने PSSSB का एग्ज़ाम भरा है कोई भी, तो आप वहाँ से एक बार पहले वो पढ़ के जरूर जाइएगा। और एक जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर आना ही आना है बीच में, तो आप यहाँ से तैयारी कीजिए, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन जो मोस्टली जो आए हुए थे वहाँ पे, तो आप जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है जो कंप्यूटर के रिगार्डिंग है, वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आपको जो हमने ये सारी प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए, इसमें जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमारे, और जो इसके साथ जो प्लस जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो वाले, हमने सभी जो प्लेलिस्ट को मद्देनज़र रखते हुए तो बनाई है। हमारी शॉर्टकट कीज़ की, फुल फॉर्म्स जो अभी हमारी चल रही हैं, इससे पहले जो हमारे MCQs, और हमने इसके साथ और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स करवाए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 9th। और इसका जो पार्ट 8th आए हैं, उसको हम लिंक डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। हाँ जी, पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्सल पिक्चर एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए PNG। PNG क्या होता है हमारे पास, हमने इससे पहले ये इमेज का फॉर्मेट होता है, इससे पहले हमने जो इमेज के और भी जो फॉर्मेट करवाए हैं, जैसे हमारा .jpg, अगर आपने नहीं किया तो हमारे आप YouTube के चैनल जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जो फुल फॉर्म्स के रिगार्डिंग है फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और इसके साथ .jpeg और एक .gif, तो ये सभी हमने करवा दी हैं। जो हमारा .png है, ये भी इसका ही पार्ट है। तो .png जो स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट देखिए PNP। PNP स्टैंड्स फॉर प्लग एंड प्ले। नेक्स्ट है POP। POP जो हमारा P है पीछे, वो है प्रोटोकॉल। और हम जितने भी प्रोटोकॉल आते हैं, हम आपको साथ के साथ बताते हैं। तो हमारा जो ये है POP, इससे पहले जो हमारे आए थे प्रोटोकॉल्स, एक था हमारा HTTP, फिर उससे बात किया था हमने HTTPS, एक हमने किया था FTP, और एक हमने अभी आएंगे आगे जैसे SMTP, और एक था हमारा PPP। तो जो हमने करवा दिए हैं, ये हमारा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर सॉकेट लेयर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अभी SMTP आना है, तो इसके पहले जो ऊपर लिखे थे वो हमने सभी करवा दिए हैं, उससे अलग भी कुछ करवा दिए हैं, तो आप हमारे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो हमारा POP जो हमारा होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए उसके बाद POP3। हमने उस दिन भी जो हमारी पहले वीडियो आई थी, और अब भी हमने बताया था, क्या बताया था भी, जो ये हमारा पीछे नंबर लिखा होता है वो वर्जन कहलाता है। जो भी आपने सेलेक्ट करते हो, या आप जिस पे भी हो उस टाइम, तो वो जो पीछे जो नंबर दिया होता है, मोस्टली हर टाइम नहीं, मोस्टली वो वर्जन के रूप में कहलाता है। तो देखिए जो POP स्टैंड फॉर जो सेम है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और जो वर्जन इसका हम क्या लिखेंगे, V3। ये रहा हमारा। नेक्स्ट देखिए POST पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद देखिए PPM पेजेस पर मिनट। ये आ गया हमारे पास PPP जो हमने अभी आपको करवाया है, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए उसके बाद चलते हैं हम, हाँ जी PPPOA। एक बात और, जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, जो भी हम आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, और इसके साथ साथ कोई भी जो अपडेट आता है गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, अगर आप वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल RS लर्नर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि हम अगर आपको कुछ भी
समझाना चाहें जो हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं उसके रिगार्डिंग, और जब बताना चाहें जो गवर्नमेंट जॉब्स के नए नए नोटिस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो आपको अगर बेल नोटिफिकेशन दगाएंगे तो आपको वह सबसे पहले पहुंचेगा और आप कुछ भी मिस नहीं कर पाएंगे। आपको साथ के साथ हम जो भी वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे, तो आपको साथ के साथ वहाँ पे बेल नोटिफिकेशन के साथ जो आपको नोटिफिकेशन ऊपर शो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो हमारा है PPPOA पॉइंट टू पॉइंट ओवर ATM प्रोटोकॉल ओवर ATM पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ATM। तो ये हमारा पीछे से ही है, ये हमारा PPP क्या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ATM। नेक्स्ट देखिए PPPOE पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर अर्थनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर अर्थनेट। नेक्स्ट देखिए प्रोम, प्रोम क्या होता है हमारे पास, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब हमारे पास रैम, जो रैम और रोम हमने ऊपर बात की थी तब, और इसमें जब हमने कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ में मोस्टली, और जो हमने मल्टीपल चॉइस कराए हैं उसमें ज़्यादातर, तो जहाँ पे भी रैम या रोम आया है हमने इसकी आपको साथ की साथ में टाइप्स भी समझाई हैं आपको। तो अब आप एक बार आपको फिर बता रहे हैं, जो रैम है, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसकी जो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक आ गया प्रोम, एक आ गया ई प्रोम, एक आ गया हमारे पास ई प्रोम। ये जो हैं हमारे ई प्रोम और ई प्रोम दोनों हो चुके हैं, प्रोम अभी हम करेंगे। तो रोम रीड ओनली मेमोरी, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इलेक्ट्री जो हमारी है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, जो नेक्स्ट है हमारी ई प्रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये था हमारा, तो चलिए चलते हैं हम आगे, जो हमारा हो गया है उसके बाद नेक्स्ट फुल फॉर्म पे। प्रोम हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिए रैम, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, RARP रिवर्स एडवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये भी नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल है, क्या है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए RDBMS, जो RDBMS भी हमने करवा दिया है, अकेला DBMS भी हमने करवा दिया है। ये RDB के साथ है हमारा टोटल, और जो हमारा एक है हमारा DBMS। अगर आपको कोई DBMS की फुल फॉर्म पूछ ले, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो से काम किया हुआ है, पढ़े हुए हैं, तो उनको सीधा पता होगा DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर R उसके आगे आ जाए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद अगर RDRAM आ जाए तो DRAM क्या हो गया हमारे पास, रैम्बस डायनामिक रैंडम असेस मेमोरी, असेस मेमोरी। तो ये हमारा कुछ इधर से उधर हो गया है, तो ये क्या है हमारा डायनामिक रैंडम असेस मेमोरी DRAM, तो रैम्बस। नेक्स्ट देखिए RIMM, RIMM स्टैंड फॉर रैम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट देखिए RIP फिर से प्रोटोकॉल है हमारा, P स्टैंड फॉर जो पीछे है प्रोटोकॉल, ये देखिए हमारा प्रोटोकॉल, इसमें क्या है रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रूटिंग आप राउटिंग भी कह सकते हैं, और क्या है हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो हमारा पार्ट 9 के रिगार्डिंग था। अगर आपने अभी तक जो पार्ट 8 हैं पीछे वाले नहीं किए हैं, तो अगर हमारे चैनल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डाल देंगे, तो वहां से जाके पढ़ सकते हैं। और एक बात, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग आप कुछ भी मिस ना कर पाएँ। और हमारी वीडियो जो आती है एक कम्पिटिटिव जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो प्रेपरेशन करवा रहे हैं, और जो भी कोई नोटिफिकेशन अपडेशन डिलीट जा इसके साथ कोई रिजल्ट आता है, कुछ भी आता है, हम साथ के साथ आपको अपडेट करते हैं, कोई आंसर की वगैरह कुछ भी। तो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल आर एस लर्नर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं, आगे भी शेयर कीजिए इसको, ताकि वो भी इनसे सीखें, एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।